और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत कॉमन और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की, टीबी स्पाइन। कैन टीबी स्पाइन बी क्योर्ड? टीबी स्पाइन एक बहुत ही मेजर बीमारी है और टीबी इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम पैन वर्ल्ड। टीबी जब किसी को हो जाती है तो उसकी बॉडी में वो लगातार बढ़ती जाती है और 100% उसको कोई ना कोई ट्रीटमेंट देना पड़ता है। टीबी कभी भी अपने आप ठीक नहीं होती। टीबी के लिए ट्रीटमेंट हद से ज्यादा जरूरी है और टीबी का ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। हाय एंड वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर देवशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, टीबी स्पाइन। कैन टीबी स्पाइन बी क्योर्ड? टीबी स्पाइन एक बहुत ही मेजर बीमारी है और टीबी इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम पैन वर्ल्ड। टीबी जब किसी को हो जाती है तो उसकी बॉडी में वो लगातार बढ़ती जाती है और 100% उसको कोई ना कोई ट्रीटमेंट देना पड़ता है। टीबी कभी भी अपने आप ठीक नहीं होती। टीबी के लिए ट्रीटमेंट हद से ज्यादा जरूरी है और टीबी का ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। फेफड़ों के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन जगह जहां टीबी आती है वो है स्पाइन, क्योंकि यहां पर ब्लड फ्लो काफी ज्यादा होता है। टीबी जनरली प्रेजेंट करती है स्पोंडाइलोडिस्काइटिस के रूप में, जब एक डिस्क और उसके ऊपर और नीचे वाली रीढ़ की हड्डी इन्वॉल्व होने लगती है। टीबी स्पाइन के पेशेंट को बहुत ज्यादा कमर दर्द होता है, एक्सट्रीम पेन होता है, और एक्सट्रीम पेन का कारण यही होता है कि वहां पर धीरे धीरे डिस्क गल के पस बनना शुरू हो गया होता है और पस बनने की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। एडवांस्ड स्टेजेस जब टीबी स्पाइन की होती हैं तब पेशेंट की हड्डी पूरी तरह गल के फ्रैक्चर हो सकती है, पेशेंट की रीढ़ की नस जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो दब सकती है, और दबने की वजह से पेशेंट को पैरों हाथों पैरों में कमजोरी, लैट्रिन बाथरूम में कमजोर दिक्कत या फिर पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या टीबी स्पाइन से मरीज ठीक हो पाएंगे। जब भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं उनका यही सवाल होता है कि मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगा या हो पाऊंगी कभी। तो देखिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, टीबी स्पाइन का इलाज पूरी तरह संभव है। आप अगर टीबी स्पाइन से ग्रस्त हैं तो आप ठीक हो सकते हैं, प्रोवाइडेड सही डॉक्टर आपका सही इलाज करे, आप सही इलाज की तरफ अग्रसर हों और आप सही डॉक्टर साहब से ढंग से इलाज के बारे में जान पाएं, इलाज को ले पाएं। तो मेरा मानना यह है कि यदि आपको टीबी स्पाइन है तो आपको अपने स्पाइन के डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। कभी कभी आपके स्पाइन के डॉक्टर टीबी वाले डॉक्टर जिनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं उनसे भी आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि डोजेज को अच्छा मॉनिटरिंग की जा सके। जनरली टीबी स्पाइन अगर आपको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है या लैट्रिन बाथरूम में कोई दिक्कत नहीं है, पैरों में कोई कमजोरी नहीं है, तो उसका इलाज हमेशा एटीटी होती है या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम पेशेंट को दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब दवाइयां आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, काफी दिन से ले रहे हैं, लेकिन आपका टीबी ठीक नहीं हो रहा। ठीक नहीं हो रहा के दो मार्कर्स हैं, एक तो ये कि आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहा है, आपको कमर दर्द हो जा रहा है, आपका कमर आपकी दिक्कत बढ़ रही है, और आपका जो MRI है जैसे कि एक महीने पुराना MRI, दो महीने पुराना MRI और नए MRI में कोई फर्क नहीं है या फिर दिक्कत बढ़ गई है MRI में, इसका मतलब है कि आपको टीबी स्पाइन है और ये टीबी स्पाइन ही आपकी प्रॉब्लम का कारण है, और जो कि टीबी स्पाइन रेजिस्टेंट है, जो दवाइयां आप खा रहे हो उनसे वो असर नहीं कर रहा है। ऐसे केसेस में हम पेशेंट को दो बातें रेकमेंड करते हैं कि या तो उनकी बायोप्सी हो जिसमें कि उसको CT की मदद से, अल्ट्रासाउंड की मदद से, या फिर स्पाइन सर्जन अपनी वीडियो एक्सरे या फिर CM की मदद से कुछ सैंपल को निकाले, उसको प्रयोगशाला में भेजे और प्रयोगशाला में ये टेस्ट हो, लैबोरेटरी में ये टेस्ट हो, जिससे पता लगे कि टीबी जो है रेजिस्टेंट वैरायटी की है या नॉर्मल वैरायटी की है। आजकल MDR, XDR कई तरह की रेजिस्टेंट टीबीज आ गई हैं, तो वो अगर रेजिस्टेंस पता लग जाएगी तो उसको हम सही दवाई दे पाएंगे। जब टीबी कल्चर हो जाता है उसके बाद हमें ये पता लग जाता है कि कौन कौन सी दवाइयां इस पे काम कर सकती हैं। जब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आती है तो हम वही दवाइयां पेशेंट को दे सकते हैं।
और ये टीबी का पूरा ट्रीटमेंट मैं आपको इंडिया के सरहदों के बारे में बताता हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रबंध किया हुआ है और हमारी गवर्नमेंट इंडिया को टीबी फ्री करना चाहती है, इसलिए वो फ्री ट्रीटमेंट मुहैया कराते हैं टीबी का। चाहे कितनी भी मुश्किल टीबी हो, उनका ट्रीटमेंट हमेशा फ्री रहता है और आप किसी भी डॉट सेंटर से वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट बहुत हाई क्वालिटी का है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो प्राइवेटली आप ले ही नहीं सकते, वो गवर्नमेंट ही आपको देगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं और बहुत सारे पेशेंट्स उन दवाइयों को लेकर ठीक हुए हैं। और मेरा मानना यह है कि यदि इस तरह की दिक्कत आपको हो रही है तो आपको अपने टीबी के डॉक्टर से मिलना चाहिए और स्पाइन डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। ज्यादातर केसेस में टीबी के ट्रीटमेंट को लेकर या फिर बायोप्सी के बाद जो रिजल्ट आता है उससे इलाज किया जा सकता है। बट यदि आपको फ्रैक्चर हो गया है, आपको अत्यधिक दर्द है, आपको पस बढ़ता ही जा रहा है और आपको लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत आ रही है, उन केसेस में नस को पस को निकालना और नस को फ्री करना और हड्डी को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे केसेस में हम स्पाइन सर्जरी करते हैं और स्पाइन सर्जरी करके रीढ़ की हड्डी को फिक्स कर देते हैं, जैसे कि उस सेगमेंट पे मोशन ना हो। अगर मोशन नहीं होगा या मूवमेंट नहीं होगा तो हड्डी जल्दी हील करेगी और पस जल्दी सही होगा। और जितना मैक्सिमम पस निकाला जा सकता है सर्जरी से वो क्लीन कर देते हैं और उसको जांच के लिए भेज देते हैं। और जो जांचें मैंने आपको बताई, जिसमें कि टीबी कल्चर होता है, जीन एक्सपर्ट होता है, एसिड फास्फेसिलाइड टेस्ट होता है, ऐसे कई सारे टेस्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये टीबी रेजिस्टेंट है कि नॉन रेजिस्टेंट है। एक्सडीआर टेस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा टीबी कल्चर करने के बाद अगर टीबी कल्चर पॉजिटिव आता है तो फिर हम लोग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी भी कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट करा के अगर आपको सर्जरी कहीं करानी भी पड़ती है, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कराएं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कराएं, बट आपके टेस्ट हमेशा गवर्नमेंट अस्पताल में वैलिड रहते हैं, जहां पे आप जाके उन टेस्ट को दिखा के ये बता सकते हैं कि आपको ये दिक्कत है और आपको पूरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जिससे आप इसका सही इलाज कर सकते हैं और टीबी मुक्त हो सकते हैं। तो मेरी आपसे यही राय है कि अगर आपको टीबी है तो प्लीज हिचकिचाए ना, डरे ना और गलती से ये ना सोचें कि बिना किसी इलाज के टीबी ठीक हो जाएगी। या तो आपको मिनिमम दवाइयों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, हो सकता है आपको बायोप्सी की जरूरत ना पड़े या सर्जरी की जरूरत ना पड़े, बट अगर बायोप्सी की भी जरूरत है या सर्जरी की भी जरूरत है तो डरने की कोई बात नहीं है। हम बहुत सारे पेशेंट्स ही बायोप्सी करते हैं या करवाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को हम सर्जरी करते हैं और सारे पेशेंट्स ठीक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स ठीक होते हैं। लेकिन यदि आप ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं लेंगे या आप पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ट्रीटमेंट आधा छोड़ देंगे, तो टीबी बिगड़ सकती है और उस केस में टीबी जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए मेरा मानना यह है कि टीबी अगर आपको है तो पूरा ट्रीटमेंट लें, गवर्नमेंट की संरक्षण में ही लें और गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन है कि हर टीबी का पेशेंट रिपोर्ट होना चाहिए, तो आपका केस रिपोर्टेड है कि नहीं ये चेक करें और गवर्नमेंट के थ्रू पूरी दवाइयों को सेवन करें, जिससे कि आपकी जेब पर भी असर नहीं पड़ेगा और सबसे बेस्ट क्वालिटी दवाई आपको गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराई जाएगी और आप टीबी मुक्त हो पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि किसी को भी टीबी ना हो और जिसको भी टीबी हो बिल्कुल इलाज करके पूरी तरह ठीक हो जाए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से जरूर पूछें, अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिखकर या फिर हमारे दिए गए नंबरों पर देकर हमसे पूछ सकते हैं। तो टीबी से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन सही इलाज के साथ, सही टाइम पे इलाज करके, और हमेशा ये इलाज लेना आवश्यक या फिर मैंडेटरी है। तो प्लीज डरे नहीं और सही इलाज की तरफ और टीबी फ्री भारत की तरफ अग्रसर होते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में।